हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल हेल्थ नुस्खे में। तो दोस्तों, आपको अगर कब्ज जैसी समस्या है तो देखिए मेरा ये वीडियो। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या और खान पान के कारण ही कब्ज की समस्या का होना एक आम बात हो चुकी है। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद बैठे रहने और रात के खाने के बाद फौरन ही सो जाने से ऐसी आदतों की वजह से सब कब्ज की समस्या रहती है। तो दोस्तों, आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद आप कुछ देर आराम ज़रूर करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और आप खाने पीने में भी ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, ज़्यादा ऑयली ना खाएं। तो दोस्तों, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें और अपनी सेहत को बनाएं। और तो दोस्तों, अगर आपको कब्ज रहता है तो आप मेरा ये बताया हुआ नुस्खा ज़रूर आजमाएं और अपनी कब्ज की समस्या को दूर करें। तो आइए दोस्तों, बनाएंगे ये नुस्खा। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बाउल में मैंने ली है इसबगोल की भूसी। जी हाँ दोस्तों, ये भूसी आपको किसी भी किराना स्टोर पर या फिर मेडिकल पर मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। ये बहुत ही कब्ज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, एक गिलास पानी लेना है, यानी कि आप एक गिलास सादा पानी लें। और अब आपको करना क्या है, आपको एक चम्मच इसबगोल की भूसी का लेना है और ये आपको इस पानी में मिला लेना है। ये देखिए, मैंने एक चम्मच इसबगोल ले लिया है, आपको भी एक चम्मच लेना है एक गिलास पानी में। तो आप एक गिलास पानी में एक चम्मच इसबगोल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आपको भी इसी तरह से बिल्कुल करना है। आप अच्छे से चम्मच से इसको घोल लें पानी में। और अब आपको इसका सेवन कैसे करना है दोस्तों, आपको रात को खाना खाने के बाद एक गिलास ऐसे ही इसबगोल और पानी का मिक्सचर बना के पी लेना है जूस की तरह। दोस्तों, आपको कब्ज की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। आप इस रेमेडी को रोज़ यूज़ करें, दिन में एक बार, यानी कि रात को सोते टाइम तो ज़रूर ही करें, आपकी कब्ज़ जैसी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलती हूँ ऐसे ही एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।